मालदीव्स, जो इंडियन कपल्स के लिए फेवरेट हनीमून डेस्टिनेशन है। मालदीव्स साउथ एशिया में बसा कई सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप है और मालदीव्स की कैपिटल माली है। मालदीव्स वैसे तो चारों तरफ से समुद्र से घिरा है, इसलिए इसके पड़ोसी देश बताना थोड़ा मुश्किल है, पर नियर बाय कंट्रीज श्रीलंका और इंडिया है। मालदीव्स की पॉपुलेशन जानकर आपको हैरानी होगी, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन केवल 5,30,000 है, जो किसी इंडिया के छोटे डिस्ट्रिक्ट से भी कम है। मालदीव्स इस्लामिक कंट्री है और 97% पॉपुलेशन मुस्लिम रिलीजन की है। मालदीव्स की ऑफिशियल लैंग्वेज दिवेही है, लेकिन टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से यहाँ के ज्यादातर लोग इंग्लिश समझते हैं और कई सारे इंडियंस भी यहाँ जॉब करते हैं, तो थोड़े हिंदी समझने वाले लोग भी यहाँ मिल जाएंगे। मालदीव्स एक कॉस्टली प्लेस है और यहाँ की करेंसी मालदीवियन रुपया है, और एक मालदीवियन रुपया के लिए आपको लगभग 5 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। मालदीव्स और इंडिया के टाइम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है और इंडिया से मालदीव्स का टाइम केवल आधा घंटा पीछे चलता है। इंडिया से मालदीव्स जाने के लिए आपको माले की टिकट करवानी होगी और यही यहाँ का मेन एयरपोर्ट है, जिसका नाम विलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंडिया से मालदीव्स पहुंचना बहुत महंगा नहीं है और 15,000 से 20,000 रुपए में इंडिया के कई बड़े शहरों से राउंड ट्रिप की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। डायरेक्ट फ्लाइट से आप 2 से 3 घंटे में, जबकि इनडायरेक्ट फ्लाइट से आप 6 से 8 घंटे में मालदीव्स पहुंच जाएंगे। मालदीव्स में हर साल टूरिस्ट के आने की संख्या बढ़ती ही जा रही है और 17 लाख से ज्यादा टूरिस्ट यहां पर साल 2019 में आए थे, जो यहां की पॉपुलेशन का 3 गुना से भी ज्यादा है। इंडिया से मालदीव्स जाने वाले टूरिस्ट के लिए एक खास बात ये है कि यहाँ वीजा की जरूरत नहीं होती है और आपके पास पासपोर्ट है तो आपको माले एयरपोर्ट पर उतरते ही टूरिस्ट वीजा मिल जाता है, जो कि 30 दिन तक के लिए वैलिड होता है और ये फ्री होता है। मालदीव्स में घूमने के लिए बहुत सारी प्लेसेस हैं, पर ये सभी पूरे आइलैंड्स हैं और यहाँ आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट आइलैंड पर ही रुककर अपनी छुट्टियां मनाते हैं और ये पूरे के पूरे आइलैंड रिजॉर्ट होते हैं। मालदीव्स में आप एक दिन माले की प्लेसेस घूम सकते हैं, पर उसके पहले आप यहाँ के पॉपुलर आइलैंड्स के बारे में जान लें, जिसके लिए कपल्स स्पेशली यहाँ पर आते हैं। मालदीव्स के पॉपुलर आइलैंड्स में से एक है माफुशी आइलैंड, जहाँ पर काफी टूरिस्ट आते हैं और ये माले से 27 किलोमीटर दूर है, जहां बाई फेरी $5 पर पर्सन देकर पहुंचा जा सकता है, जबकि स्पीड बोट से $20 पर पर्सन तक लग सकता है।
ये आइलैंड तीन पार्ट में है, जिसमें एक पार्ट पर जेल है और दूसरे पार्ट पर बिकनी बीच और होटल्स हैं, जबकि तीसरे पार्ट में लोकल्स का बीच है। माफुशी की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको 3 से 4 हजार रुपए पर नाइट टू एडल्ट्स में होटल मिल जाएगा, जो कि मालदीव्स के हिसाब से काफी सस्ते होटल्स हैं, और यहाँ से रिजॉर्ट्स का डे टूर करना भी सस्ता होता है। मालदीव्स स्ट्रिक्ट मुस्लिम कंट्री है और यहाँ केवल टूरिस्ट बीच पर ही छोटे ड्रेसेस अलाउड हैं। मालदीव्स में कई सारे आइलैंड ऐसे हैं जो पूरे के पूरे रिजॉर्ट हैं, और उनमें से एक है मीरू आइलैंड। यहाँ पर स्टे करने के लिए एक दिन का मिनिमम 2 एडल्ट्स के लिए 20 से 25 हजार तक देना पड़ सकता है, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इंक्लूड होता है। और अगर आप वाटर विला लेते हैं तो आपको 40 से 45 हजार रुपए 2 एडल्ट्स के लिए देना पड़ सकता है। आपको इसमें वेज और नॉन वेज फूड दोनों तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप बीच पर कैंडल लाइट डिनर करना चाहते हैं तो आपको कपल के लिए लगभग 15 हजार रुपए तक देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स के अलग अलग रेट्स हैं, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मालदीव्स में इतने कॉस्टली प्राइवेट आइलैंड्स के अलावा भी कई आइलैंड ऐसे हैं जो अफोर्डेबल हैं, और 10 से 15 हजार रुपए में 2 एडल्ट्स के लिए पर नाइट में लग्जरी एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इनमें से कुछ रिजॉर्ट हैं, जैसे सन आइलैंड रिजॉर्ट एंड स्पा, पैराडाइज आइलैंड रिजॉर्ट एंड स्पा, कांडिमा मालदीव, और इनके अलावा भी कुछ प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट हैं। इन आइलैंड्स के अलावा भी यहाँ के कुछ और भी पॉपुलर आइलैंड्स हैं, जैसे फिलहाल हुई आइलैंड्स, हुलहु माले आइलैंड, बियादू आइलैंड, और इन आइलैंड्स पर होटल और रिजॉर्ट्स काफी अच्छे रेट्स पर मिल जाएंगे। मालदीव्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए फेरी का ही यूज होता है, और यही सबसे चीप सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन इसकी फिक्स टाइमिंग होती है। इसके अलावा फ्राइडे को कुछ जगहों पर फेरी क्लोज होती है, साथ ही स्पीड बोट का भी ऑप्शन है, पर ये महंगा पड़ता है। मालदीव्स की कैपिटल माले में भी कुछ पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे कि यहाँ का ग्रैंड फ्राइडे मॉस्क्यू, नेशनल म्यूजियम, सिना माले ब्रिज और माले लोकल मार्केट। हालांकि मालदीव्स आने वाले बहुत कम ही टूरिस्ट माले में रुकते हैं और यहां से किसी आइलैंड पर जाकर रुकते हैं। मालदीव्स में घूमने का मेन खर्चा होटल और वाटर स्पोर्ट्स या कुछ एक्टिविटीज का ही होता है। आप चाहें तो यहां का बजट टूर भी कर सकते हैं। अगर आप यहां का बजट टूर करना चाहते हैं तो 3 दिन तक रुक सकते हैं और केवल 4 हजार रुपए 2 एडल्ट्स के लिए पर नाइट का होटल ले सकते हैं, मतलब पर पर्सन होटल पर केवल 6 हजार रुपए आएगा। जबकि ब्रेकफास्ट यहां सभी होटल देते हैं, पर लंच और डिनर करते हैं तो 3 हजार रुपए से 4 हजार रुपए पर डे तक का खर्चा आ सकता है, मतलब अप्रोक्स 12 हजार रुपए फूड का। साथ ही यहां पहुंचने का 15 से 20 हजार रुपए फ्लाइट का, ट्रांसपोर्टेशन का 10 हजार रुपए अगर आप फेरी का यूज करते हैं, साथ ही वाटर स्पोर्ट्स या एक्टिविटीज पर 30 हजार रुपए तक खर्च हो सकता है, मतलब बजट टूर आप 70 हजार रुपए पर पर्सन तक में कर सकते हैं।
जबकि प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट में रुकना चाहते हैं तो 1,20,000 से 1.5 लाख रुपए पर पर्सन तक खर्चा आ सकता है। वैसे आप यहां का पैकेज लेंगे तो आपको ज्यादा चीप और घूमने में भी काफी आसानी होगी। और अगर मालदीव हनीमून के लिए जा रहे हैं तो एक दिन प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट में रुकने का एक्सपीरियंस जरूर लें। कुल मिलाकर मालदीव्स एक ऐसी रोमांटिक जगह है जहां आप अपने पार्टनर के साथ वो मोमेंट्स बिता सकते हैं जो आपको लाइफ टाइम याद रहेंगे। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।